बिग बॉस ओटीटी की लाइव फीड के अंदर दोस्तों आपको बता दे, फुकरा इंसान और मनीषा राणे की मस्ती देखते ही बनती है। अब फुकरा इंसान जा रहे होते हैं बेडरूम से वर्कआउट करने के लिए। वर्कआउट करने के लिए जब वो बाहर निकलते हैं तो मनीषा राणे कहती है कि अबे ओ कितना वर्कआउट करेगा, पतला होता जा रहा है। जब आया था तो इतना बड़का बड़का पेट लेकर आया था और इतना बड़का बड़का बम था तुम्हारा, पिछवाड़ा था, अब सब पतला पतला हो गया। घर पे जाएगा तो मम्मी डांट लगाएगी कि क्या कर लिया है खुद को, इतना पतला क्यों हो गया है तू। और मम्मी लगा भी देगी डांट कि बेटा खाता क्यों नहीं है, क्योंकि दिखता है भैया पूरे दिन कुछ नहीं, एक रोटी खाते हैं आजकल फुकरा भाई। वहीं ये सब बातें करी रही होती है मनीषा, तो अभिषेक वहां आकर बैठ जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि क्या चाहती है, वर्कआउट नहीं करूं? तो मनीषा कहती है नहीं वर्कआउट नहीं कर, हमारे साथ बैठकर चुगली कर, क्योंकि आज इतना बड़ा टास्क हुआ है। लेकिन फुकरा इंसान कहते नहीं मैं वर्कआउट करूंगा, और मनीषा बोलती ठीक है तो हम जा रहे हैं। तो मनीषा वहां से उठकर जाने लगती है। मनीषा जब वहां से जा ही रही होती है तो फुकरा भाई से नाराज होकर जा रही होती है, तो मनीषा को मनाएंगे नहीं क्या फुकरा भाई? तो फुकरा भाई क्या करते हैं, फुकरा भाई मनी जाती मनीषा के पीछे से चुटकी काट लेते हैं। जैसे ही वो चुटकी काटते हैं तो मनीषा जो है पीछे मुड़ के पहले तो फुकरा भाई के चांटा लगा देती है। हालांकि गुस्से वाला चांटा नहीं होता, बड़ा ही प्यार से वो चांटा लगा देती है कि क्या कर रहा है, और उसके ऊपर फिर कूद कर उनके ऊपर कूद जाती है। कहती है कि अच्छा बेटे हमसे पंगा लोगे, और फिर कूद जाती है और फिर फुकरा भाई को कोशिश करती है कि दबा देती हूँ। हालांकि कुछ कर नहीं पाती मनीषा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं वो मनीषा है भैया, बेबी का नहीं है कि फुकरा भाई को कुछ हो जाएगा। पर मनीषा को ऊपर चढ़ते हुए देखकर फुकरा भाई यही कहते हैं कि अच्छा बात तू थी, वरना बेबी का पपीता होती तो मैं तो त्यों त्यों हो जाता। बहरहाल कैसा लगता है आपको इन दोनों का बॉन्ड कमेंट करके बताएं, और भी बिग बॉस के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।